पब्लिक जो है तो आपके आपको मदद करने को ढेरी है, पब्लिक आपके खिलाफ गड़बड़ करने को ढेरी है, आपको मदद करने को ढेरी है, आप मारने क्या बात है, मारे हो मीडिया को मारे जी मैंने तो आगे को मीडिया को मारे जी ऐसा अगर क्या है मारे का ब्रेक देना है क्या देखो कुछ भी नहीं है बोलो बोलो हमको नहीं मीडिया से मीडिया वालों को भी मारे आप कैसा मारते हैं आपका नाम क्या रैंक क्या है बोलो आप किससे मारे टाइम से मारे बोलो जी आप मारे आपको यही अभी हमारे देखो ये लोग हाथ में डंडा दो न्यू चौक बोल के मार्केट बना बोले तो ऐसा निशान आ गया बोला सर मारे कहीं को ये बोला परमिशन दान देना लाठी का लोग आई कुछ कंप्लेंट करे ना पूरे ऐसा कैसा मारते जी क्या है परीक्षा मारने का लॉकडाउन में बंद हो गया लाठी मारना बोल मारे सब नाम क्या है रैंक क्या है पूछो साहब नाम क्या है रैंक क्या है पूछो नहीं सर आपको मारे के लिए नाम क्या है रैंक क्या है वैसा मार दिया आप आपको सर आपका क्राइम क्या है आप डंडा कहाँ की डाल देते बोल रहे थे आप गाली देके मैं डरा हुआ हूँ क्या डालते साहब आप डंडा बोलो आप पुलिस वाले रहे तो कहीं भी डंडा डाल देते क्या आप बोलो साहब आप बताइए आप पुलिस वाले तो डंडा कहीं भी डाल देते क्या बोलिए पब्लिक जमा हुई और बात है जी ऐसा बात है क्या किसी को डराने की ऐसा मारो भाई कौन मारे आपने आप कौन मारे आपका नाम है आपका नाम क्या है साहब ने पूछिए आप कर रहे क्या है आपका आपका नाम क्या है आप किसको भी मार देते हैं आप पुलिस वाले रहे तो आप कानून हाथ में लेते आप नहीं नाम से कुछ भी नहीं है साहब आप बोलिए आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है पूछिए हमसे। चारमीनार विधानसभा के खिलवत क्षेत्र में रात देर गए एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करने में जुट गई है। क्षेत्रवासियों ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैस्टर ओवैसी को भी इस घटना की सूचना दी। बैस्टर ओवैसी ने तुरंत ही रात के 3 बजे ही एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली को जाने का निर्देश दिया। विधायक जुल्फ़िकार अली भी घटनास्थल पर प्रवेश किए और पुलिस के अधिकारियों से बात भी की। विधायक ने पुलिस के अधिकारियों से कहा खिलवत क्षेत्र की ये व्यस्त सड़क है, यहाँ पर अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से यहाँ के क्षेत्रवासी बेहद ही परेशान हो गए हैं और कहा कि ये एआईएमआईएम का विधानसभा क्षेत्र है, इस तरह की घटनाओं को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक ने कहा जो घटना घटी है उसकी सही तरीके से जाँच होनी चाहिए और आरोपी को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। विधायक ने यह भी कहा चारमीनार विधानसभा में असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस द्वारा नकेल कसी जाए। इस समय विधायक जुल्फ़िकार अली जब पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहे थे उस समय पुलिस कर्मियों ने उपस्थित व्यक्तियों पर लाठियां बरसा दी जिसके कारण 4 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई जिसमें एक व्यक्ति के हाथ पे फ्रैक्चर भी हो गया। जैसे ही विधायक को इसकी सूचना मिली विधायक पुलिस कर्मियों पर भड़के। विधायक ने कहा किसने निर्देश दिया तुम्हें लाठियां बरसाने का, 4 व्यक्ति घायल हो गए हैं, इन्हें गंभीर चोटें आई है, इसके कौन जिम्मेदार है। विधायक ने कहा यहाँ पर घटना घटी है, एक व्यस्त सड़क है जिसके कारण भीड़ जमा हो गई। विधायक ने कहा ये एआईएमआईएम का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे ये शुभ नहीं चलता, पुलिस को चाहिए जांच का विषय है जांच करे, ना के यहाँ उपस्थित व्यक्तियों पर लाठियां बरसाए, इन्हें कोई अधिकार नहीं है लाठियां बरसाने का। विधायक बोले रात के 3 बज रहे हैं, यहाँ पे लोग परेशान होकर घरों से बाहर निकलकर ठहरे हैं और पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कर्मी यहाँ उपस्थित व्यक्तियों पर लाठियां बरसा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कहा
साउथ जोन के डीसीपी मैडम यहां पर प्रवेश किए थे और घटना स्थल का निरीक्षण भी किए थे एवं स्थानीय निवासियों ने डीसीपी का पूरा सहयोग भी किया था। जैसे ही एडिशनल डीसीपी साउथ जोन प्रवेश किए उसके बाद स्थिति बिगड़ गई। पुलिस कर्मी एडिशनल डीसीपी प्रवेश करने के बाद लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। थोड़े समय के लिए ऐसा लग रहा था कि एडिशनल डीसीपी नहीं है, हैदराबाद के सीपी है, क्योंकि पुलिस कर्मी जैसे ही एडिशनल डीसीपी प्रवेश किए उसके बाद ही वहां उपस्थित व्यक्तियों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। जबकि डीसीपी साउथ जोन प्रवेश करने के बाद सभी वहां से चले गए थे। एडिशनल डीसीपी पहुंचने के बाद जब लोग वहां पर जमा हुए और बेहद ही परेशान होने लगे और उसके बाद असदुद्दीन अवैसी को इसकी सूचना भी दी थी। विधायक भी वहां प्रवेश किए। विधायक प्रवेश करने के बाद भी स्थिति बेहद ही अच्छी थी, लेकिन एडिशनल डीसीपी साउथ जोन प्रवेश करने के बाद पुलिस कर्मी लाठियां बरसाए, जिसके कारण सभी उपस्थित व्यक्ति पुलिस के खिलाफ बेहद ही गुस्से में थे। लेकिन विधायक जुल्फिकार अली ने सभी से शांति बनाने की अपील की। विधायक ने कहा, हैदराबाद में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है तो इसका श्रेय AIMIM पार्टी को जाता है। असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी के प्रयासों से हुई है, लेकिन कानून व्यवस्था का अगर उल्लंघन होगा तो AIMIM पार्टी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस को चाहिए सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।